नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद। वर्चुअली रूप से जुड़े सभी प्रदेशाध्यक्ष और सदस्य, सीएम योगी भी हुए बैठक में शामिल। अंबेडकर नगर में आयोजित हुई सपा की जनादेश रैली, अखिलेश यादव ने किया रैली को संबोधित। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर हुए सपा में शामिल। यूपी के फतेहगढ़ जेल में डेंगू से कैदी की मौत के बाद बवाल, जेलर से कैदियों ने की मारपीट। जेल के कई हिस्सों में हुई आगजनी, हालात काबू में। यूपी के अमरोहा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, मृतक की प्रेमिका ने अपने पिता और भाई पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कन्नौज में जीका वायरस ने दी दस्तक, कपूरपुर कटरी गांव निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। जो केंद्रीय मंत्री या सदस्य दिल्ली में हैं वो इस बैठक में सीधे तौर पर शामिल हुए हैं, बाकी सदस्य अपने प्रदेशों से वर्चुअली जुड़े हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहली कार्यकारिणी की बैठक है, ऐसे में हर किसी की इस पर नजर बनी हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन हुआ, वहीं पीएम मोदी बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं इस बैठक में यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। बैठक में 5 राज्यों के चुनाव और पार्टी के अभियानों का रिव्यू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को 42,000 करोड़ की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। शासन ने उनका कार्यक्रम लगभग फाइनल कर दिया है। उनके संभावित लोकार्पण व जनसभा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में अधिकारी निरीक्षण के दौरान सभा समेत सुरक्षा इंतजाम में जुटे हैं। प्रदेश की बहुप्रतीक्षित लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का तोहफा कार्तिक मास की एकादशी 16 नवंबर को मिलेगा। करीब 42,000 करोड़ रुपए से बनकर तैयार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आएंगे। कुरेभार के अरवलकीरी करवत ग्राम पंचायत में बने एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर उद्घाटन कार्यक्रम तय हो गया है। वहीं एक्सप्रेसवे को लोकार्पण लायक बनाने के लिए पूरा तंत्र जुट गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय पर जनादेश रैली में शामिल हुए। इस रैली के साथ ही जिले के कई नेताओं के भविष्य को लेकर सियासी धुंध भी साफ होती नजर आई। दरअसल इस रैली में बसपा सरकार में मंत्री रहे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समेत कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण की। दोनों ही बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जिला पंचायत चुनाव में खिलाफत करने के आरोप में इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बसपा से निष्कासित होने के बाद पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने जिले में जनादेश रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कही थी। वहीं अखिलेश यादव ने जिला मुख्यालय के भानमती स्मारक पीजी कॉलेज में जनादेश रैली को संबोधित भी किया। स्वागत कर अपनी बात को प्रारंभ करें आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय। प्रभावी मुख्यमंत्री भारत के भविष्य परमात्मा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि देश और प्रदेश का जनमानस भाजपा के जन विरोधी चरित्र को बखूबी समझ चुका है, अब कार्यकारिणी की बैठक में कुछ नहीं होने वाला।
दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वो कृत्य किए हैं जिससे सिर्फ लोगों का नुकसान हुआ, देश के लोगों का अहित हुआ। नोटबंदी जीएसटी से लाखों लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों की अर्थव्यवस्था खराब हुई, देश की भी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई भी सबक नहीं लिया। कोरोना काल में लाखों लोग पैदल चल रहे थे, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई भी मदद की नहीं, की लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिला और सरकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ती रही। यूपी के फतेहगढ़ जिला जेल में डेंगू से कैदी की मौत के बाद हंगामा हो गया। यहां साथी कैदियों ने जेल के अंदर आग लगा दी। इसके अलावा कैदियों ने डिप्टी जेलर को भी जमकर पीटा। हालात बिगड़ता देख मौके पर जिला पुलिस और पीएसी बुलाई गई। मामला फरुखाबाद के फतेहगढ़ जेल का है। बताया जा रहा है कि 29 साल के कैदी संदीप यादव की डेंगू के चलते मौत हो गई। संदीप की मौत सैफई अस्पताल में इलाज के दौरान हुई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कैदियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। जेल परिसर के कुछ हिस्सों में आगजनी की गई। बंदियों ने डिप्टी जेलर के साथ बदसलूकी की। उधर जेल में हंगामे के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। इसके ऊपर रही होगी परेशान और जिसके राइट गवर्न पे गिरी थी और उसको पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद स्टेबल कंडीशन करने के बाद उसको सफे के लिए खड़ा किया। एक सिपाही भी घायल आया था। सिपाही जो आया था उसके दाहिनी तरफ आँख के नीचे थोड़ी सी गिरी थी, उसका विकास नहीं था नॉर्मल, वो भी स्टेबल कंडीशन में। उसको पुराना प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उसको घर भेज दिया। कैसे चोट लगी जितेंद्र जी? पत्थर पड़े चोट लगी। अच्छा, कहाँ? जेल पे। हाँ जी। क्या घटना क्या हुई थी? लगा जेल पर काबू पाऊँ जेल पर वो आते हैं पर दोनों ने देरी में हंगामा कर दिया। तुम कहाँ पे थे? जो जेल का स्टाफ इनके द्वारा बताया गया था थोड़ा सा तेज कि डिमांड की गई इनके द्वारा फोर्स की, तो पता चला तुरंत मौके पर यहाँ पर आए। और यहाँ पर आने के बाद में जो हमारे टीम साबर हमारे साथ ही साथ जो हमारा बाकी फोर्स है इसमें एडिशनल एसपी सीओ और सेंट्रल जेल के जो अधीक्षक हैं उनको बुलाया गया। और उसके बाद यहाँ पर अंदर जो बवाल हुआ उस पर काबू पाया गया। पूरा जो अभी तक सामने आया वो ये है कि एक संदीप यादव सन ऑफ रणवीर सिंह है, जो कि यहाँ पर 2012 से निरुद्ध बंदी हैं, जिन्हें 2016 में दहेज हत्या के अंदर आजीवन कारावास मिला हुआ है। उनका डेंगू उनको हुआ था और उनको डेंगू होने के कारण 5 तारीख को यहाँ से सैफई एम्स में रेफर किया गया। प्रॉपर उनका इलाज करवाया गया। उसका इलाज करवाने के बाद जो सूचना आई थी कि जो 6 तारीख को यानी कि कल शाम को करीब 7 बजे 7:30 बजे वो डेंगू के कारण एक्सपायर कर गया। उसके संबंध में उन्हीं के बैरक में रहने वाले जो संजीव यादव जो कि यहाँ पर 1376 पॉक्स एक्ट के मामले में अंडर ट्रायल हैं, उनको जो कि उनके गांव के ही भाई लगते हैं उनको सूचित किया गया था। उसके बाद आज सुबह जो बात सामने आई थी कि करीब 7:45 बजे जब जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था, उस समय जो सेलर सोनकर जो कि डिप्टी जेलर थे उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्हें पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, साथ ही साथ जो जेल के जो रसायन गेट हैं उनको तोड़ना और अंदर जो बैरक्स उनको तोड़ने की इनके द्वारा घटना की गई। इसमें जो ये अपराधी जो कि इस तरह के मिस्क्रेंट टाइप के हैं उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। जनपद जौनपुर के महाराजगंज विकासखंड में जारी मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपयों की लूट के मामले में विकास अधिकारी एक्शन में नजर आए। अधिकारी अनुपम शुक्ला ने मामले की जांच कराई और लूट और फर्जीवाड़ा सही पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इसमें 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मनरेगा योजना में 8 महीने पर यह लूट हुई थी, इसके बाद यह कार्रवाई हुई है। इस मामले में ग्राम सभा मया के ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, ग्राम विकास सचिव और ग्राम सभा मीरापुर केवल के ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक और ग्राम सचिव शामिल हैं। खाना
खंड विकास अधिकारी महाराजगंज जौनपुर श्री शशकेश सिंह की तहरीर के आधार पर ग्राम मयार थाना सुजानगंज में मनरेगा के कार्य को कराए बिना धन का भुगतान करा लेने के संबंध में चार लोगों के खिलाफ थाना सुजानगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 209/21 पंजीकृत किया गया है। इसी प्रकार ग्राम मीरपुर केवल में थाना महाराजगंज में यूपी के कन्नौज में जीका वायरस ने दस्तक दी है। यहां सदर तहसील के कपूरपुर कटरी गांव के एक 45 वर्षीय व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। पहला केस मिलते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सीएमएचओ ने ग्रामीणों और संक्रमितों के परिवार वालों से सैंपल जांच को भेजे हैं। सीएमएचओ कन्नौज का कहना है कि जीका वायरस से पीड़ित व्यक्ति कानपुर के शिवराजपुर में संक्रमित हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी कन्नौज में घबराने वाली कोई बात नहीं है। यूपी के फतेहपुर में दो समुदाय मजहबी लड़ाई के चलते एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों समुदायों में हुई लड़ाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। मदार बहुत पुरानी बनी हुई है। चबूतरा 2014 में बढ़ाकर बनाया गया था। राहुल चौधरी के द्वारा साइट की दीवारों पर नारे लिखे गए हैं। 145 सीआरपीसी की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। शांति व्यवस्था बनी रहे दोनों पक्षों द्वारा धार्मिक भावना फैलाने के लिए वीडियो वायरल किया गया है, जिस पर थाना स्थानीय ने मुकदमा पंजीकृत कर किया जा चुका। यूपी के अमरोहा स्थित आदमपुर क्षेत्र में युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई, जबकि मृतक के परिजनों ने गांव के ही दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। इधर मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब प्रेमिका ने अपने पिता और भाई पर ही प्रेमी की हत्या का आरोप लगाया। मृतक की प्रेमिका ने पुलिस के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी, जिसके चलते पुलिस ने किशोरी को घर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी। इधर घटना के बाद प्रेमिका के परिजन घर से फरार हो गए। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका के पिता और भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हाँ, पुलिस हम गए तो दरोगा नो गई नो का दवाई गोली कर रही हूँ। 8-8 लाख रुपए मामले घर आ गए ना, खत्म है वो। हाँ, दवाई गोली करी तो हम तो आ रहे हैं। दवाई गोली हम वहाँ कराएंगे, हम रोए कराएंगे तो ही फिर हम रोक ले तो ही जब आई पुलिस वाले। ये मामला यह है कि वो 8 दिन से दावत को कहता मेरे पापा से फिर ना, तो मेरे पापा फोन करा, मेरे पापा ने फोन नहीं उठाया तो हाथ पकड़ के शॉर्ट जलाने का टाइम था कि वो जबरदस्ती पकड़ के ले गया हाथ मोटरसाइकिल पर उठाए गए। फिर क्या हुआ, फिर ले जाकर पता ना कहाँ मेरे पापा को मार कर खूब और पुल पर डाल दी। फिर वो उससे पूछा तुम इनके साथ थे, उन्होंने कह दी मैं इनके साथ नहीं था। यूपी के बस्ती जिले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांधीनगर चौकी क्षेत्र में शव मिला है। आपको बता दें कि जीआईसी स्कूल के पास ये अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला, तो वहीं सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां खेतों में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त विशंभरा निवासी वासिफ के रूप में की है। 2 दिन पूर्व ही युवक की शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। महाराजगंज के ग्रामीण इलाके में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब परिवार के सभी लोग एक बाइक पर सवार होकर रिश्तेदार के यहां जा रहे थे।
इसी दरमियान बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय चारों लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और दो बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यूपी के जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यमुना नदी में डूबे युवकों के शवों की तलाश फिलहाल जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार शवों की तलाश कर रही है। अब तक एक युवक का शव निकाला जा चुका है तो वहीं दो अन्य युवकों के शवों की तलाश की जा रही है। यूपी के बस्ती में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते गरीब परिवार को 15 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। दरअसल पिछले दिनों मलोली गोसाई गांव निवासी सूरज निषाद की बेटी रेशमा हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गई, जिसे इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान रेशमा जिंदगी की जंग हार गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र देकर जर्जर तार को बदलने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से बालिका की जान चली गई। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।